इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, वर्ल्ड कप 2019 खत्म हो चुका है। क्रिकेट का जनक इंग्लैंड विश्व विजेता बन गया। फाइनल मुकाबले को लेकर बहस भी खूब हो रही है, लेकिन इन सभी के बीच एक तस्वीर हर किसी के दिलो दिमाग में बस चुकी है, और वो तस्वीर है फाइनल मुकाबला हारने के बाद भी न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन के चेहरे पर मुस्कुराहट। विलियमसन की सादगी ने हर किसी का दिल जीत लिया है, न किसी तरह का गुस्सा और न ही बहस का हिस्सा बने। वर्ल्ड कप की हार के बाद भी बस यूं ही मुस्कुराते रहे जैसे कोई और आम दिन हो। केन विलियमसन को इस बार वर्ल्ड कप का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी चुना गया है। उन्होंने अपनी बल्लेबाजी के दम पर न्यूजीलैंड को कई मौकों पर बुरे संकट से उबारा, तो वही हर परिस्थिति में शांत रहते हुए शानदार कप्तानी भी की। यही कारण रहा कि लगातार दूसरी बार कीवी टीम वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच पाई। फाइनल मुकाबला हारने के बाद केन विलियमसन से जब उस थ्रो के बारे में पूछा गया जो बेन स्टोक्स के बल्ले से लगकर 6 रन चली गई थी, तो उन्होंने कहा था कि ये काफी बुरा है और शर्मनाक भी। मुझे उम्मीद है कि ऐसा फिर कभी नहीं होगा। हालांकि इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ये उसी खेल का हिस्सा है जिसे हम खेलते हैं, और इसीलिए इसे स्वीकार करना होगा। इस पूरे वर्ल्ड कप में केन विलियमसन के बल्लेबाजी के साथ साथ उनकी कप्तानी की भी काफी तारीफ हुई। कीवियों ने अपने सफर की शुरुआत लगातार जीत के साथ की और फिर थोड़ा लड़खड़ाए। हालांकि किस्मत के दम पर सेमीफाइनल में पहुंचने के बाद में भारत को सेमीफाइनल में मात दी। 240 रन का लक्ष्य भी पार नहीं करने दिया, और फिर फाइनल में भी इंग्लैंड को भी 241 रन का लक्ष्य पार करने में नाको चने चबवा दिया। इस पूरे वर्ल्ड कप में केन विलियमसन ने 9 पारियों में 82.57 की औसत से 578 रन बनाए, जिसमें 2 शतक 2 अर्धशतक शामिल रहे। न्यूजीलैंड की टीम ने जब सेमीफाइनल में भारत को हराया था तो 135 करोड़ हिंदुस्तानियों का वर्ल्ड कप जीतने का सपना टूट गया था। उसके बाद भी केन विलियमसन ने भारतीय फैंस से एक अपील की थी कि जिसने हर किसी का दिल जीत लिया। उन्होंने कहा था कि मुझे उम्मीद है कि इस मैच के बाद भारतीय फैंस उनसे गुस्सा नहीं होंगे, और मैं चाहूंगा कि फाइनल में हमारे साथ 135 करोड़ लोगों की दुआएं होंगी। बता दें कि आईपीएल में विलियमसन सनराइजर्स हैदराबाद की भी कप्तानी करते हैं, ऐसे में भारत में भी उनके फैंस की कमी नहीं है। 2016 में जब ब्रेंडन मैक्यूलम ने न्यूजीलैंड की कप्तानी छोड़ी तो केन विलियमसन को कप्तान बनाया गया। मैक्यूलम आक्रामक रणनीति के साथ चलने वाले कप्तान थे, और जिसका नजारा वर्ल्ड कप 2015 में दिखा था। लेकिन विलियमसन एक अलग ही श्रेणी के कप्तान है जिन्होंने न्यूजीलैंड की टीम को इस वर्ल्ड कप के लिए तैयार किया था। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर जरूर करें। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि आपको मिल सके हमारे हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले। धन्यवाद।